हाय गाइस, दिस इज मिस मानाड़ी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक मरतबा फिर अदील भाई के पास मौजूद हूँ। आज अदील भाई पीसी बिल्ड करने वाले हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या इसकी प्राइस है और कौन कौन से कंपोनेंट लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील भाई क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। कौन सा पीसी बिल्ड कर रहे हैं हमारे व्यूअर को बताओ। आज हम कर रहे हैं गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं और ये पीसी इनका बिल्ड होगा 65K में। वैसे इसकी जो कीमत बनती है 68 बनती है, लेकिन हम 65 में इनको दे देंगे। जो चैनल से आएंगे उनको इतने में। हाँ जी, ठीक है। शुरू करते हैं वन बाय वन, इनको कंपोनेंट दिखाते हैं, इनकी प्राइस भी बताते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास ये कंपोनेंट आ जाता है MSI, ठीक है, गेमिंग बोर्ड है, H61 बोर्ड है, दो रैम स्लॉट है इसके अंदर। इस टाइम जो लगी हुई है 8-8 की दो रैम में लगी हुई है, ठीक है। और ये मतलब छोटे बोर्ड का छोटे केसिंग के अंदर भी लग जाता है, बड़ी केसिंग के अंदर भी लग जाता है, ठीक है। और इसके ये फीचर्स हैं कि मतलब ये 7.1 ऑडियो सपोर्ट करता है, ठीक है, हल्की पावर सप्लाई के ऊपर भी चल जाता है। लेकिन हमने इसके ऊपर आज ग्राफिक का पीसी बिल्ड करना, तो इसके ऊपर हम अच्छी पावर सप्लाई लगाएंगे साथ, ठीक है, ठीक है। और ये सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन दोनों सपोर्ट है इसके अंदर। इस टाइम जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो लगा i7 2700K प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि मसलन ओवर क्लॉक एडिशन के अंदर आता होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास पावर सप्लाई आ जाती है। सेकंड नंबर हमारे पास ये FPS की ना 500 वाट की पावर सप्लाई है। इसके अंदर एक 8 पिन और एक 6 पिन है, जो कि हमारे इस कार्ड को लगेगी। तो ये काफ़ी पावरफुल सप्लाई है और 80+ ब्राउन्स सप्लाई है, ठीक है। और ये सील्ड पावर सप्लाई। तो ये हार्डे कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये हार्डे हम इसके अंदर कर रहे हैं, ये 128 SSD है, ठीक है, और ये 6 GPS है, ठीक है। और ये हमारे पास है 500 GB हार्ड, ये है 7200 RPM, ठीक है, 500 GB Seagate की, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं केसिंग की तरफ आ जाते हैं। केसिंग कौन सी लगाई आपने? केसिंग हमारे पास है फर्स्ट प्लेस की T3, ठीक है, ये केसिंग। और इसके साथ ये डायमंड के 4 फैंस और जो के प्रॉपर RGB है, ठीक है, ये ऊपर बटन लगा है, इसे बटन से आप RGB कर सकते हैं। वैसे इस केसिंग की जो प्राइस बनती है वो आपको एंड पर सारी हम क्लियर करके हर चीज़ की प्राइस बताएं। तो इसमें कितने USB पोर्ट्स हैं? इसमें है फ्रंट पे 2 USB हैं, 2.0 और 1 3.0 है, ठीक है। और उसके बाद ऑडियो है और रीस्टार्ट का बटन लगा दिया, LED का बटन इसने लगा दिया होगा। तो अब ये इसके अंदर फिलहाल फैन कितने लगाए आपने? इसके अंदर फिलहाल 4 फैन लगे हैं, इसके अंदर 6 फैंस लग सकते हैं, यानी कि जगह है। हाँ, 2 फैंस और लग सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर SSD के बकायदा माउंट्स बने होते हैं, बाज केसिंग के अंदर माउंट्स बने तो स्क्रू लगाने पड़ते हैं, इधर वो माउंट्स बने हैं, माउंट्स के अंदर बस आपने फिट करनी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर पर हमारे पास ग्राफिक कार्ड आ जाता है, मेन चीज़ जो है। हाँ जी, मेन चीज़ हमारे पास ये ग्राफिक कार्ड है, ये है GTX 770, ठीक है, EVGA का कार्ड है, ये बहुत पावरफुल कार्ड है, ये आपका 960 2GB से बेहतर कार्ड है, ठीक है। ये 2GB DDR5 256 bit है जी, और ये RX 560 को भी मुकाबला देता है, उससे भी कई गुना बेहतर कार्ड है, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ग्राफिक का काम गेमिंग हर चीज़ चलती है इसके अंदर, ऑल इन वन, ठीक है। अब आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस के बाद हमारे पास ये कंपोनेंट रह गया जी, ये हमारे पास ये कंपोनेंट है कूलर, ठीक है, ठीक है। ये क्योंकि जो के प्रोसेसर होते हैं ना वो गर्म होते होते हैं, उसके लिए कूलर लगाना लाजमन होता है। ये RGB कूलर है, ऊपर भी RGB बैक, तो हर चीज़ बटन दिया है प्रेस करना? नहीं, ये बटन नहीं है। अच्छा। वैसे होता है, समझाना ये प्रोसेसर के ऊपर लगता है? हाँ जी, प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। ये इसके साथ ही ऐड है? हाँ जी, साथ ऐड करके, ठीक है। तो आप प्राइस बताते हैं इनको? प्राइस सर हम इसकी बताते हैं कि ये जो आपको कार्ड है, ये कार्ड का रेट जो मार्केट में चल रहा है 22 चल रहा है, ठीक है ना। कंडीशन वाइज इसमें कंडीशन अगर आप रफ लेते हैं तो आपको 18-17-20 तक भी मिल जाता है, लेकिन जो 10x10 कंडीशन में है उसका रेट 22 चल रहा है। लेकिन हमारे जो आपके चैनल से आएगा कस्टमर, हम उसको ये इस बिल्ड के अंदर ये 20K का लगाया हुआ है कार्ड, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बोर्ड की क्या प्राइस? बोर्ड की हमने प्राइस लगाई है ये 4000, ठीक है। पावर सप्लाई हमने लगाई 2500। ये जो दो हार्डे पड़ी हैं इनकी क्या क्या प्राइस? ये एक 3000 रुपये की है, एक 1700 रुपये की है, ठीक है, ठीक है। केसिंग की तरफ? केसिंग वैसे बनती है कोई 15000 रुपये, लेकिन हमने 14000 रुपये इसका रेट लगाया हुआ है, ठीक है। तो वो कूलर पड़ा जो कूलर आपको मिल जाएगा ये 3500 में, ठीक है, ये बिल्ड के साथ, और एक ही कूलर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये कूलर मिला के कितनी प्राइस बनती है? इसके अंदर i7 2700K है, RG 16GB रैम है, ठीक है, SSD 128GB 500GB हार्ड, और ये सारी चीज़ों के साथ इसकी टोटल प्राइस बनती है कुछ 67 किलोमीटर, लेकिन हम 65 में ये आपको PC दे देंगे, ठीक है। तो अगर कोई चैनल देके आए तो फिर क्या डिस्काउंट करेंगे? वक्त के लिहाज से, यानी कि वक्त के लिहाज से ये है कि अगर तो कोई आता है चैनल के थ्रू तो हम उसको ये 63 के अंदर भी दे देंगे, ठीक है। तो डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान? हाँ जी, ऑल ओवर दी पाकिस्तान। तो आप ये बताएं कि इसकी वारंटी आप क्या दे रहे हैं? वारंटी अगर कोई फैसलाबाद में हमसे लेता है तो 7 दिन की चेक वारंटी, और जो आउट ऑफ सिटी से लेता है तो उसको हम ये 15 दिन की वारंटी देते हैं। ले जी, गुड होगा। ले जी गाइस, ये थी आज की वीडियो। अदील भाई ने PC बिल्ड करके दिखाया, इसकी प्राइस और लेदर लेदर कंपोनेंट्स की प्राइस भी आपको बताई है। ये भी बताया कि इसके ऊपर आप कौन कौन सा वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप खरीदना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वीडियो के ऊपर भी आपको शो हो रहा है, वो इंशाल्लाह आप रब्ता करें, इनसे आपको चीज़ अच्छी मिलेगी। और आज की वीडियो यही थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।